नमस्कार, हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप बड़ा अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले खबरों की शुरुआत ललितपुर से करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि आज हम माता टीला में जिस तरह से मगर पाए जाते हैं और मगरों की अटखेलियां हैं और मगर धूप सेकने के लिए घूमने के लिए कैसे निकलते हैं सड़कों पर माता टीला की, यह भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ललितपुर की खबरों पर नजर डालते हैं। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर में ध्वजारोहण कर समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़कर सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने हेतु प्रेरित किया। आरक्षी राघवेंद्र सिंह पुलिस अधीक्षक स्क्वाड ड्यूटी द्वारा सदर कांटा कोतवाली के पास से एक मोबाइल पड़ा मिला। जानकारी कर मोबाइल स्वामी को सुपुर्द किया गया। जनता द्वारा इनके कार्य की भूर प्रशंसा की गई। वही माता टीला की खबर बताते हैं जो आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये माता टीला डैम का पूरा क्षेत्र है और माता टीला के डैम की पूरी सड़क है। यहाँ पर मगर चाचा कहीं ना कहीं धूप सेकने के लिए सर्दी आते ही माता टीला में मगर अक्सर देखने को मिल जाया करते हैं और अक्सर सड़कों पर घूम लेते हुए भी मिल जाते हैं। एक कहीं ना कहीं जिस तरह से माता टीला का जो डैम है, डैम की सड़क है, वहां पर देखिए आप मॉनिटर स्क्रीन पर एक मगर चाचा खुद कैसे बैठे और धूप का आनंद ले रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो वहां पर कर्मचारियों की, वहां लोगों की जैसे नजर पड़ी तो हड़कंप मच गया और कर्मचारियों की मदद से मगर को काबू में किया गया और मगर को काबू में करके पानी में छोड़ दिया गया। फिलहाल जिस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से मगर को काबू में किया जा रहा है और मगर किस तरह से माता टीला की सड़कों पर मिल जाएंगे। अगर सैलानी मगर का दीदार करना चाहते हैं तो माता टीला जरूर जाए और माता टीला में उन्हें अक्सर मगर मिल ही जाएंगे और लेकिन संभल के जाएं क्योंकि माता टीला में कहां मगर मिल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। सड़कों पर घूमते हुए मगर मिल सकते हैं। फिलहाल हम मगरदाह की बात करते हैं जहां की सैकड़ों की संख्या में मगर है ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। ये छोटी सी झील है, यहां पर मगर की अटखेलियां देखने को मिल जाती है और यहां आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मगर पानी में उछल कूद कर रहे हैं। ये पूरा हम दिखा रहे हैं और जिस तरह से धूप सेकने के लिए सर्दियों में अक्सर मगर बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं अद्भुत नजारा की और सर्दियों में बहुत देखने को मिलता है। और मगर जिस तरह से पानी में जाते हैं, पानी से बाहर आते हैं, पानी में दौड़ लगाते हैं और जिस तरह से, और हालांकि आसपास के लोग उन्हें पत्थर से जरूर सताते हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं मगर पानी में कूदते हैं। सर्दियों में मगर का लुत्फ लेना चाहते हैं, मगर की दीदार करना चाहते हैं, मगर की अगर अटखेली आप देखना चाहते हैं तो सर्दियों में माता टीला जरूर आइए और मगरदाह जरूर जाइए। लेकिन मगरदाह जाने से पहले जरा सचेत हो जाइए क्योंकि वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं है। अगर आप जा रहे हैं बेखबर है शायद आपके आसपास मगर हो सकता है, इससे कहीं ना कहीं आप खतरे में भी पड़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप मगर देखना चाहते हैं तो माता टीला जाइए। वही हम चिड़ियाघरों में जाते हैं और मगरों को देखते हैं, हालांकि वो मगरों का आनंद चिड़ियाघर जो यहाँ माता टीला मिलता है वो चिड़ियाघरों में नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर नेचुरलिटी मिलती है। यहाँ पर जो एक्टिविटीज जो मगर की है वो नेचुरल देखने को मिल जाती है और इनके देखने के शौकीन माता टीला जरूर आए सर्दियों में और मगर का लुत्फ लें। फिलहाल सचेत रहें लेकिन थोड़ा सचेत भी रहें। आज हमने मगर की अटखेलियां दिखाई, माता टीला की सैर कराई और जिस तरह से माता टीला की सड़कों पर मगर को दिखाया। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। हम कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी वक्त नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है।